तो गाइस आज अंकित की बहन आई है और अंकित पूरी खातिरदारी कर रहा है। खातिरदारी अंकित को दी कॉफी बना क्योंकि जब ये हमारे साथ घर आया था इनको तो शर्म है नहीं। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह हो चुकी है और चंडीगढ़ में अब मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये देखो मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी बादल नहीं और धूप भी निकल चुकी है। गुड मॉर्निंग। कुल्लू भी उठ चुका है, उठ तो क्या नहा भी चुका है, रेडी भी हो चुका है, हर मौसम हो चुका है बिल्कुल क्लियर और धूप लग चुकी है। तो अब तेरी फेवरेट गर्मी आ रही है। भाई गर्मी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सही रहती है। तो गाइज इसको क्योंकि बहुत सारा लेयर्स पहनना पसंद है, बहुत सारे कपड़े, इसको गर्मी बिल्कुल नहीं है पसंद। तो काफी दिनों से बोल रहा है कि यार अब तो गर्मी नहीं, ऐसा भी नहीं है, जो मार्च अप्रैल सही है, जून जुलाई। हाँ यहाँ पे दो महीने सबसे गंदे होते हैं, जून और जुलाई के। इन महीनों में अपने घर के ट्रिप्स भी बहुत मारती हूँ क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा क्लियर रहता है। तो चलो अब हम इतने मोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, अब हम गर्मियों के कपड़े निकालने वाले हैं। चलिए हो जाएगा कि कपड़े धुल जाएंगे टाइम टू टाइम। सर्दियों में ना कपड़े धोने में यार, एक तो वैसे तो मशीन है, ठंड तो कहीं लगेगी, बट ऐसा होता है ना उसमें तीन कपड़े ही डाले तो फुल हो जाती है, फिर कितने ही धोमे एक दिन में। गर्मियों में ये रहता है कि जो भी है पतले पतले कपड़े होते हैं तो धोने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कुल्लू को ये कंप्लेंट मेरे से हमेशा रहती है कि कपड़े टाइम पे नहीं धुलते। और मैं बना रही हूँ खाना और शुभम गया है अभी नहाने, थोड़ी बहुत प्रेपरेशन तो मेरी हो गई है। ये देखो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, तो मैंने प्याज भी कट कर लिया है, इसमें टमाटो भी है और यहाँ पे मेरे राइस बन रहे हैं, यहाँ पे मेरी दाल बन रही है। तो उसके बाद मैं भी नहाऊंगी और रेडी होऊंगी, उसके बाद जाना है मैं ऑफिस और आज घर के लिए भी कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। पहले खाना बनाती हूँ। तो भाई शुभम भी नहा कर आ चुका है और सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा है और कुल्लू भी पूजा कर रहा है। मेरा ऑलमोस्ट खाना रेडी हो चुका है, मैं जाती हूँ नहाने और मैं रेडी होती हूँ। गुड मॉर्निंग। पानी नहीं आ रहा है टैप में, तो मेरे को बुलाना पड़ेगा। गाइस हमारी किचन की टैप में पता क्या हुआ है, ये देखो पानी नहीं आ रहा, इतना सा पानी आ रहा है। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक दो दिन से थोड़ा बहुत आ रहा था, अब बूंदे आ रही है। तो आज हमें प्लम्बर को भी बुलाना पड़ेगा, उसको चेक करवाना पड़ेगा कि पता नहीं कुछ फंस तो नहीं गया है या फिर क्या प्रॉब्लम होगी। तो गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हमारा खाना भी बन चुका है और यहाँ पे कुल्लू ब्रेकफास्ट कर रहा है, शुभम ब्रेकफास्ट कर रहा है। कैसा बना है? वैसे मुझे ये पतली दालें पसंद नहीं है बट मैं कभी कभी बना लेती हूँ क्योंकि जल्दी बन जाती है। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, मजा आ गया है ना। गाइस ये देखो भाई क्या तगड़ी धूप लगी है, ऐसी धूप में मन करता है बस बाहर बेड बिछा दो और उसमें लेटे रहो। कृति दीदी के हाथ का खट्टा मिल गया। बहुत धूप हो गई है, अच्छा हो गया, अब तेरे को स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। तो गाइज हम लोग ऑफिस आ चुके हैं और अभी है हमारा कॉफी टाइम। तो गाइज शाम के 5 बज चुके हैं, मेरा काम हो चुका है, गुल्लू और शुभम अभी फ्री नहीं हुए। मुझे लग रही थी अंदर बहुत ज्यादा ठंड तो मैंने सोचा थोड़ी धूप सेक लेती हूँ, बट धूप गायब हो चुकी है, जैसे ही वो फ्री होते हैं फिर हम निकलते हैं। तो गाइज हम लोग ऑफिस से फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शुभम के किसी फ्रेंड से मिलना है, कुछ देना है इसने अपने फ्रेंड को, उसके बाद हम सीधा यहाँ से घर ही जाएंगे। तो गाइज ये देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारा वेडिंग वेन्यू, यहाँ से हुई है मेरी शादी, दो ट्यूलिप। शुभम हाथ जोड़ो, तू भी जोड़ ले हाथ मंदिर को। तो गाइज हम 34 सेक्टर तो पहुँच गए हैं लेकिन शुभम का फ्रेंड अभी फोन ही नहीं उठा रहा है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तुम्हारे फोन में, मेरे फोन से कर लो। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे और अब यहाँ पे डिनर बनाने की तैयारी चल रही है। आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। और अभी हमारे पास यहाँ पे अंकित भी आ रहा है, जब हम घर पे गए थे ना ट्रिप पे, जब हमारे साथ गया था तो उसका थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रह गया था, वही लेने आया अभी। और यहाँ पे देखो शुभम की चल रही है मीटिंग की तैयारी, तो ये अंदर मीटिंग करेगा अभी और हम लोग बाहर ही चलते हैं। मीटिंग चल रही है तो इसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। तो गाइज आ चुका है हमारा ओल्ड गेस्ट, हाँ ओल्ड गेस्ट ही है तू, अब हमारा जो घर तक आ गया हमारे साथ, हमारे ओल्ड गेस्ट हो जाते हैं। ऐसे तो ये आता नहीं है यहाँ पे, जब इसका कुछ रह जाता है, गिफ्ट रह जाती है कभी कभी इसकी यहाँ पे, कभी इसका चप्पल रह जाता है तो वही लेने आता है ये। वैसे तो ये इसको खातिरदारी करते तो जानबूझकर चीजें भूल जाते हैं। तो चलो तुम लोग बैठो अभी मैं डिनर बनाती हूँ, अंकित भी आज डिनर करके जाएगा। नहीं मैं थोड़ा जल्दी, क्यों गाड़ी नहीं कराया? नहीं गाड़ी कहाँ है, हम तो ड्राइवर हैं। सुन कुलो किस में आया, चल डिनर तो करेगा नहीं, कुछ मीठा हो जाए। गाइज अपने घर में देखो आज कौन आया है, ये हमारे पड़ोसी है बस हमारे से, उस वाले फ्लैट में रहते हैं। एक दिन हमारा व्लॉग भी बनाया था और मतलब हाँ व्लॉग भी बनाया था, हमारे को तोड़ना पड़ा और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी
और आज ऐसा हुआ, मैं यहाँ दरवाजे के पास सुना, डोर के पास खड़ा हुआ था, ये सामने ट्राई कर रहे हैं। मैं कहा आज तो बनती है हमारी हेल्प भी, तो अभी ये वेट कर रहे हैं। तो गाइस ये हमारे पड़ोसी जिनकी चाबी खो गई है। क्या नाम है आपका? अभी नहीं बताती है अपना नाम। तो गाइस मेरा भी खाना बन चुका है, आलू गोभी तो बन गया है, मैं सब चपाती रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इनका कुछ हेल्प हो जाए, तो मैंने कुल्लू को वहीं भेजा था। ये अकेले थे अभी, दीदी थे जो, इनके हस्बैंड गए अभी चाबी वाले को बुलाने। सामान वगैरह भी इन्होंने यहीं पे रखा है, और इनकी पता नहीं चाबी घर पे रहेगी, कुछ हो गया इनसे, गुम होगी। तो इनका लॉक भी दूसरे वाला, जैसे हमारा तो है ना, इसको तोड़ सकते हैं, इनका दूसरे वाला जो अलमीरा में होता है ना, वो वाला लॉक। गाइस ये लॉक लग गया, ये शायद ना अंदर से टूट गया इनका। कहाँ है आपकी चाबी? बाहर ही रहेगी। मैं बोल रहा हूँ, चप्पल कहाँ है तेरी? चप्पल कहाँ है तेरी? भाई मैं बोल ही रहा था, जानबूझ के छोड़ के जाता है इसको, पता क्या इसने नई नई गाड़ी ली है, तो इस बहाने से पापा ठंडा है तो चप्पल भूल। ओ भाई मैं देखूं, मैं चप्पल तो यही है, आया किस लिए था? सोचो स्पेशल चप्पल लेने के लिए आया था, स्लीपर्स भूल ही गया। पड़ोसी कहाँ गए? पड़ोसी कहाँ गए? वॉशरूम। अंकित आया सामान लेने, चप्पल लेने, उसकी जो चप्पल रहेगी तीसरी स्पेशल है, और वो भी भूल गए। और जो हमारे नेबर है बेचारे, वो बच्चे के साथ भटक रहे हैं अभी, तो यहीं पे गए हैं वॉशरूम बच्चे को लेके, अब उनको मिला है कोई अभी लॉक वाला, वो आ ही जाए। मैं मान गई, इससे कुरकुरा खा रही है, मैंने बोला एक दे दो, बोलते मिर्ची है इसमें, मिर्ची इसमें कितनी कितनी मिर्च है? एक है, एक मिर्च है। चाट पापड़ी खा लेते हो? उसमें भी मिर्ची लगती है? किसमें मिर्ची लगती है? फिर रोटी में, घर के खाने में मिर्ची लगती है? इसकी मम्मा बोलते हैं गोलगप्पे पापड़ी में इतनी मिर्च खाती है, चाहे इसकी जीभ गट जाए, इसको टेंशन नहीं है, घर में अगर थोड़ी सी डाल दी ना खाना ही खाना। एक थोड़ी सी दे दो मिर्च लगती है इधर भी, देख पानी के साथ पे, पानी के साथ कुरकुरा, पहले कुरकुरा खा रही है फिर पानी पी रही है। यही पैकेट है, अगर दूसरा होता तो दे देती। एक ही तो मांग रहे हैं, अगर दो होते तो देते आप मुझे, तब दे देते। अच्छा एक ही है ना, इसलिए दे रही है। पागल तो है, खालू नहीं खा रही, इसमें डाल दिया ठीक है। हेलो, तो गाइस फाइनली पड़ोसियों का लॉक खुल गया है, आ गए बंदे तो वो अब चले गए, और अब मैं लगी कुछ बातें करूं। आया कोई? वो आया होगा पक्का, अंकित दीदी तो ये नहीं, वो ही है। अरे यार देख भाई, मतलब घर से कितना टाइम हो गया हमारे को आए हुए? 10 दिन हो गए, अभी तक इसका सामान आधा आधा चला हुआ है, कभी क्या ले जा रहा है, कभी क्या ले जा रहा है। अभी अब मेरे पास सुनना, कल को अपना बैग इधर ही रख दिया, 5 कुंडल। चलो ठीक है, रोके भाई बैठ जा भी। खाना खा के जाइए, बस खाना खा के आ भाई, बहुत टेस्टी बन रहा है, पसंद है। पागल है तू, जिस चीज के लिए आया मुझे ये होता है। ओ मैं तभी तो मैं भूल जाता, मैंने बोला नहीं था आपको यहाँ से ये सैनिटाइजर ले गया था ना, बोलता अभी दे दो मैं कहीं बाद में भूल गया। सैनिटाइजर ले गया और जिस चीज के लिए आया था वही, इसमें नया नहीं मिला, दो वही मिला था, वो दीदी ने यूज कर लिया होगा। अच्छा अरे उसमें मेरा बैठा नहीं, बैठ जा थोड़ी देर भाई। देखो आज अंकित मनीषा दी को भी लेके आया, अभी बैठना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सो गाइस आज अंकित की बहन आई है, और अंकित पूरी खातिरदारी कर रहा है, बोल रहा है यार मेरी बहन आई है तुम्हारे घर पहली बार, कॉफी बना दो, वही बोल रहा है। अंकित अभी हमारे साथ घर आया था ना, इससे इतनी ज्यादा अच्छी कॉफी बनाई थी, तो मैंने इसको भी बोला कि यार तू बना, कॉफी तो बस ये कॉफी बना रहा है। हम तो चाय पिला रहे थे, हम तो चाय पिला रहे थे, कहते वो मेहमानी मेहमानी किया जिसने परेशान नहीं किया। नहीं बिल्कुल परेशान नहीं, इसकी बहन नहीं बोला हम चाय नहीं पियेंगे कॉफी पियेंगे ऐसे। बाकी मैं सच जो है तो मैं जाने के बाद बता दूं, मैंने अक्षय क्या क्यों बोले, जो खुद बोले कि आप हमने ये खाना पीना है, इसलिए मतलब आज ऊपर आ गया कार देने के लिए। कैसी बनी है? कैसे बनिया?
बोला हमारे सारे गेस्ट चले गए, हमारे पड़ोसी भी चले गए और अंकित और मनीषा भी चले गए, और उन्होंने डिनर तो नहीं किया क्योंकि वो डिनर करके ऑलरेडी आ गए थे। यहाँ पे कुछ रख के तो नहीं गया फिश है? नहीं नहीं, उसको बहाना चाहिए यहाँ आने का, कुल्लू हो रहा शुक्र है। बस थोड़ा बहुत कॉफी स्नैक्स खाकर चले गए। वो जो अंकित की सिस्टर है ना बड़े वाली, उनकी शादी है अभी अप्रैल में, तो हमें भी बुलाया उन्होंने। हम जाएंगे टिहरी गढ़वाल अप्रैल में, देखते हैं शुभम का बर्थडे के टाइम ही है, तो वो भी हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि कैसे कैसे जाएंगे वगैरह। तो अभी वो लोग चले गए हैं और अब कुल्लू और शुभम लगे डिनर करने, मुझे तो भूख नहीं है। तो बस इस व्लॉग को भी मैं अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर कॉमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।